नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Oppo F19 Pro Plus 5G versus Realme X7 Max का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो F19 Pro Plus 5G में 6.3 इंच जबकि Realme X7 Max में 6.24 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि F19 Pro Plus 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो F19 Pro Plus 5G में 2.89 इंच जबकि Realme X7 Max में 2.89 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो F19 Pro Plus 5G में 0.31 इंच जबकि Realme X7 Max में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि F19 Pro Plus 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो F19 Pro Plus 5G में 173 ग्राम्स जबकि Realme X7 Max में 179 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि F19 Pro Plus 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही सुपर AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.43 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो F19 Pro Plus 5G में 84.94% जबकि Realme X7 Max में 85.92% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 409 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो F19 Pro Plus 5G में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में मोनो कैमरा देखने को मिलता है। और Realme X7 Max की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो मेमेरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो F19 Pro Plus 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Realme X7 Max में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो F19 Pro Plus 5G में Mali G57 MC3 जबकि Realme X7 Max में Mali G77 MC9 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो F19 Pro Plus 5G में MediaTek Dimensity 800 UMT 6853V और Realme X7 Max में MediaTek Dimensity 1200 MT 6893 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 8GB मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 128GB मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो F19 Pro Plus 5G में अप टू 256GB जबकि Realme X7 Max में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी F19 Pro Plus 5G में 4310mAh जबकि Realme X7 Max में 4500mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो F19 Pro Plus 5G में 2 कलर्स जबकि Realme X7 Max में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो F19 Pro Plus 5G की 23,990 रुपीस जबकि Realme X7 Max की
24,999 रुपीस प्राइस है, जो कि F19 Pro Plus 5G से ज्यादा है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो दोनों फोन में 6 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Realme X7 Max आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में F19 Pro Plus 5G आगे है। इंटरनल मेमोरी में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme X7 है, जो कि 17,999 रुपए में मिलता है। दूसरा Realme X7 Pro है, जो कि 26,999 रुपए में मिलता है। तीसरा Vivo V20 Pro है, जो कि 29,990 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy F62 है, जो कि 22,399 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।